से बहुत पैसे हैं ना तुम्हारे पास? कितने पैसे हैं? एक कहानी बताता हूँ। एक बार मैं हो गया बीमार, मम्मी जी हॉस्पिटल ले गए एडमिट करवाने और डॉक्टर ने मना कर दिया, हम नहीं बचा पाएंगे, हम एडमिट नहीं करेंगे। मम्मी जी ने मामा जी को फोन कर दिया और सब कुछ बता दिया मामा जी को कि डॉक्टर ने ये बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला। और मामा जी सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे और 10 मिनट में डॉक्टर के सामने चेकबुक टेबल पे और डॉक्टर को पूछते, बता तेरा ये हॉस्पिटल कितने का? इतने पैसे हैं मामा जी के पास और सगे भाई है मम्मी के और मैं इकलौता बेटा। फिर क्या, डॉक्टर कहने लगा ठीक हो जाएगा बच्चा और मामा जी ने कहा कि एडमिट कर लो। डॉक्टर बोला कि एडमिट तो कब का कर लिया, आधा बोतल सलाइन खत्म हो चुका है और तुम्हें पता है मामा जी के खौफ से ना पूरा हॉस्पिटल मुझे एडमिट करने लगा हुआ और मेरा इलाज कर रहे हैं। पावर देखो पावर, और पैसा तो तुम देख ही चुकी हो। हाँ, बहुत पैसा है और पावर भी। बात खत्म ना? मैं वही बता रहा हूँ तुझे कि कल मामा जी का फोन आया था और बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे एक कुड़ी पसंद आ गई और उस लड़की ने ऑलमोस्ट मुझे ब्याह के लिए मना कर दी। फिर पूछ रहे थे चेकबुक भेजूं या बंदे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या ना, मना शब्द से नफरत आ। अच्छा, बोल रहे थे मानती है तो ठीक है वरना उठा लो और ले आओ पंजाब, घर की बात है खुद ही आ जाएंगे उठाने। गोद में उठाने वाली बात तक तो ठीक था लेकिन ऐसे उठाने की बात करोगे तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोच ले और हां बोल देना। डरा के ही सही, दुल्हन तो इसे ही बनाऊंगा मामा जी की कसम। इंदर, इंदर। जी साहब। क्या हुआ, तू परेशान क्यों लग रहा है? वहां साहब मम्मी को गांव में कोरोना पॉजिटिव आ गया है। सिटी स्कोर पूछा है, ऐसे ही परेशान हो जा रहा है? जी। तू रहने दे, तू गांव जाना चाहता है या पैसे चाहिए? गांव से आए हुए 2 ही महीने हुए साहब, मैं तो दोनों ही नहीं मांग सकते। तू आ, अंदर आ, अंदर आ, अलमारी खोल और ड्रॉअर खोल, उसमें 2 ही गड्डियां पड़ी हैं, दोनों ले ले। अब मुझे ना दे, अपने पास रख। और सुन, सुनीता या महेंद्र को फोन कर और जो ट्रेन की या प्लेन की पहली टिकट मिले ना वो टिकट ले ले और गांव चला जा। आपको क्या चाहिए था साहब? वो कुछ नहीं, तू जा। कब आओ? जब तुझे ठीक लगे तब आना। सुन, जब तेरी माँ को ठीक लगे ना तब आना। जा। रब दी मेर है, भगवान सबका भला करे। ईश्वर जो करता है ना उसमें सबकी भलाई होती है। जय हो, जय हो, जय हो। अरे वेट, रुको, लेट्स हैव कपल ऑफ ड्रिंक्स, उसके बाद फ्रेश होते हैं ना। ना, आई वोंट ड्रिंक टुडे। व्हाट? ना, मैं नहीं पीनी आज। क्यों? मुझे लत लगा के आई वोंट ड्रिंक टुडे। अरे मधु पाजी, कम 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 पाजी प्लीज, आई विल गेट इट फ्रॉम किचन। जरूर।
बंगाली बाबू भी ना अरु तारू हो गया था। ओ छोड़ यार, वो तेरी मेरी तो सोच नहीं मिलती है। तू पैसों को तवज्जो देता है, मैं प्यार को। छोड़ दे, ओ छोड़ दे यार, वो तेरे को बोला ना छोड़ दे। अब गल सुन मेरी, वो गल सुनेगा कि गाल सुनेगा? गाल मतलब गाली होती है, गाली। हाँ सुन, अब ओ मैंने नहीं रखना कोई हिसाब किताब, पन्नी की चोपड़ी नहीं है मेरी जिंदगी, समझा नहीं समझा? देख तू पैसे को गिनता रह और मैं खुशियां गिनता रहता हूं, बाकी सब रब दी मेहर है। लोगों को क्या पता प्यार क्या चीज होती है, प्यार अनमोल होता है। इसकी वैल्यू जानने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। ओए लेट्स हैव ड्रिंक टुनाइट। इतने दिनों बाद तो आज पाजी हम लोग नीचे का ऊपर करते। नीचे को ऊपर? What does that mean? Bottoms up. Yeah. पाजी ये ना इंग्लिश में ही अच्छा लगता है, हिंदी में नहीं। और पहले पेज में बॉटम्स अप चलता है, दूसरा भी कर लेंगे। Cheers. Cheers. बंगाली भाई। आप बैठिए, आज फोन भी हम ही देंगे। What happened? Terrorist? Terrorist? Terrorist लिखा है? इस बार आपने भी हिंदी में लिखा है, आतंकवादी। फोन काटो, फोन काटो, कट करो फोन, रख दो वहीं पे। पाजी तो एक देखा ला। मेरा गन हो मूड खराब कर दिया। वैसे फोन किसका था? पाजी पैक बनाओ। अरे आप बैठिए, इस बार भी हम ही देंगे। फिर आतंकवादी? एट द रेट पाजी, आपके फोन में सारे नाम ऐसे लिखे हैं कि फोन खराब हो गया है। नहीं नहीं, फोन मेरे को दो, मेरे को दो। उठा के देखे, चुपचाप फोन मेरे को दो, फोन दो इधर, ला फोन, बैठो पैक बनाओ। अब इस बार भी आते मत। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही, तेरी ना चड्डी उतार रही है मैंने। मेरी चड्डी मेरी मर्जी के बिना नहीं उतरती, और तेरी चड्डी मैं जब चाहूं तब उतार सकती। नंगे होते करो, जो मर्द अपनी पत्नी से नफरत करते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, उनके लिए खटिया खड़ी अभियान शुरू किया है मैंने।